देश भर में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है, या फिर यूं कहिए कि धीरे धीरे गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और गर्मी का अब तांडव देखने को मिल रहा है। लोग सोच समझ कर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं अब हीट वेव का अटैक कई राज्यों में देखने को मिलेगा। कहीं पर बारिश होगी तो कहीं लू चलेगी। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली NCR में आज अधिकतम तापमान 2 दिनों तक रोज 1 डिग्री की वृद्धि करेगा, जिससे लोगों की परेशानी अब और बढ़ने वाली है। इसके अलावा हफ्ते भर बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं। दिल्ली में बीते दिन क्षेत्र में 2.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिन के समय तेज सतही हवा चली और शनिवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। और बात करें आज, यानी कि कई राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की बात कही गई है। बता दें कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी समेत कई जिलों और स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उड़ीसा में मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि 13 दिनों से राज्य हीट वेव की मार झेल रहा है। यहाँ हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुनिए, अभी देखेंगे तो हमारा जो स्टेट में आज 27 अप्रैल है, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अनुगुल में 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हमारा कैपिटल सिटी जो है भुवनेश्वर है उसमें भी 44.6 और बारीपदा में 44.2। लगभग अगर देखा जाएगा 33 स्टेशंस में 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लगभग 14 स्टेशन में 43 डिग्री सेल्सियस और अबव रिकॉर्ड हुआ है। अभी अगर देखा जाएगा तो 15th ऑनवर्ड्स, आज 27th है, लगभग आपका जो है लास्ट 13 डेज में उड़ीसा में कंटिन्यूसली ही हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। 2010 के बाद अगर देखा जाए ये सबसे जो कंटिन्यूटी जो लॉन्ग स्पेल रहेगा हीट वेव के डाटा सिंस 2010। और भुवनेश्वर में भी, भुवनेश्वर सिटी में खास करके देखा जाएगा तो हमारा जो है कंटिन्यूसली लास्ट अगर 14 डेज में 40 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा, ये भी लार्जेस्ट एक रिकॉर्ड है। और आज का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में 44.6, ये 4th हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, ये 4th हाइस्ट है। लगभग अगर देखा जाए कि सीवियर हीट वेव कंडीशन भुवनेश्वर का जो डिपार्चर है फ्रॉम नॉर्मल से 6.8 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही बारीपदा में भी 6.7 डिग्री सेल्सियस है, जाजपुर में जो 43.5 है, ये सीवियर हीट वेव कंडीशन इस जगह में प्रिवेल किया है। लगभग अगर देखा जाएगा तो जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है उस जिले में लगभग सभी जगह में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल किया गया, और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में भी नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ जगह में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल। ऐसा कंडीशन अभी अगले 4-5 दिन तक रहेगा, क्योंकि जो तापमान है उसमें अगले 24 घंटे में सामान्य जैसे 2 डिग्री तक बढ़ने का चांसेस है। जैसे इंटीरियर उड़ीसा कुछ कुछ इलाके में 45 डिग्री या उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर रिकॉर्ड होने का चांसेस है, जैसे झारसुगुड़ा, बलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, अनुगुल, ये सब जगह में भी 45 और उससे ज़्यादा सा टेम्परेचर रिकॉर्ड होने का चांसेस है। उसको देखते हुए हम लोग लगभग लास्ट जो 12 तारीख से कंटिन्यूसली हम फ्रेश रिलीज दे रहे हैं हीट वेव के रिलेटेड स्टेटस, और जो पूर्वानुमान किया गया है इस कंडीशन में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो विंड पैटर्न है रेनफॉल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं भी लोकली कुछ कुछ जगह में हल्का बारिश अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।